बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती और जबरदस्त एक्टिंग के चलते बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने अपनी पहचान बनाई। यूं तो बॉलीवुड के कई स्टार्स एक खुली किताब की तरह रहे, पर रेखा एक ऐसी स्टार है जिनकी जिंदगी के कई राज हमेशा से ही दफन रहे। कुछ ऐसे राज जिन पर से आज तक कभी भी पर्दा उठ नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने उन्हें हमेशा से ही उन राज को अपने अंदर छुपा कर रखा है। उनमें से तो कुछ इतने अजीबोगरीब हैं कि आप भी उन्हें जानकर बोल उठेंगे कि रेखा ने अपनी सुंदरता के पीछे कितने घिनौने राज छिपा रखे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको रेखा की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब राज बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेखा के उन अजीबोगरीब सच से रूबरू होना। नंबर वन, लेस्बियन है रेखा। कम ही लोग जानते हैं कि सदाबहार रेखा लेस्बियन है। इनका अपनी ही पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना के साथ लेस्बियन रिश्ता है जो पिछले 3 दशकों से इनकी पर्सनल सेक्रेटरी से रहा है। वैसे फरजाना है तो महिला, लेकिन उनको देखने में वे मर्द होने का गुमान देती हैं। फिल्म जर्नलिस्ट मोहनदीप ने रेखा पर लिखी अपनी किताब यूरेखा में फरजाना और रेखा के बीच के लेस्बियन रिश्ते होने का दावा किया है। दुनिया के सामने भले रेखा अकेली है, पर असल में वो फरजाना के साथ अपनी जिंदगी जी रही है जो इनके घर में ही रहती है। नंबर टू, जवानी का राज। वर्तमान में रेखा 67 साल की हो गई है, पर आज भी ये पहले की तरह ही सुंदर दिखती हैं। मगर असल में तो ये 67 साल की बूढ़ी औरत ही दिखती है और अपने इस बुढ़ापे को छिपाने के लिए और सुंदरता पाने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट करवाती हैं। यह हर रोज सुबह को बोटॉक्स इंजेक्शन लेती हैं जो चेहरे की झुर्रियां और माथे पर पड़ी सिलवटे को हटाती हैं और इन्हें बनाती है यंग रेखा। इसके साथ साथ ये हर हफ्ते लाख रुपए की अरोमाथेरेपी भी लेती हैं जो इन्हें सुंदर पर जवा रखती हैं। ये था इनकी सुंदरता का राज और सब इस भ्रम पे रहे कि ये इनकी नेचुरल ब्यूटी है। नंबर थ्री, घर के अंदर किसी से क्यों नहीं मिलती रेखा। 67 साल की रेखा बांद्रा की एक कोठी में अकेली रहती हैं, लेकिन बांस की बलियों से घिरा रेखा का ये घर भी कम रहस्यमयी नहीं है। आज तक इनके घर के अंदर की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, रेखा के इस घर में किसी बाहरी गेस्ट की एंट्री भी नहीं होती है। अगर इन्हें किसी से मिलना भी होता है तो रेखा उससे अपने घर के बाहर ही किसी पब्लिक प्लेस पर मिलती है। कुल मिलाकर रेखा के घर पर बाहरी लोगों के लिए रहस्य का एक पर्दा पड़ा है। ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इन्हें अपने घर में किसी बाहरी व्यक्ति का आना पसंद नहीं, और इन्हें पसंद नहीं कि इनके प्यारे से घर की तस्वीरें बाहर जाए, इससे इनके घर को नजर लग सकती है। नंबर फोर, मुकेश अग्रवाल को सुसाइड के लिए उकसाया था। काफी लव अफेयर्स के बाद रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी और शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने सुसाइड कर ली, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। तब तो उनके सुसाइड की वजह बिजनेस लॉस बताया जा रहा था, पर अब पता चला कि रेखा ने ही उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया था। मुकेश ने शादी से पहले रेखा को जो कुछ बातें बताई थी उनमें से काफी बातें झूठी थी। इसके बाद रेखा और मुकेश के बीच शादी के फौरन बाद ही मनमुटाव शुरू हो गए। हालात कुछ ऐसे रहे कि मुकेश और रेखा के झगड़े लगातार बढ़ने लगे। इसके बाद रेखा ने मुकेश से अलग होने का फैसला लिया और वो मुकेश को तलाक देने के बारे में सोचने लगी। रेखा से तलाक के बाद मुकेश बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने अपने फार्म हाउस में रेखा के ही दुपट्टे से लटक कर अपनी जान दे दी। नंबर 5, किसके नाम का सिंदूर लगाती है रेखा। रेखा आज भी मांग में सिंदूर लगाती है, पर इसका रहस्य किसी को नहीं पता, लेकिन इन्होंने खुद ही अपने इस राज से पर्दा उठा दिया है। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपनी मांग के सिंदूर का खुलासा कर ही दिया। इन्होंने कहा कि इनकी मांग में सिंदूर किसी के नाम का नहीं है, बल्कि इनके मेकअप में इनके ऊपर सिंदूर जचता है, ये इसलिए अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। रेखा ने कहा, सिंदूर लगाना मुझे काफी अच्छा लगता है और ये मेरे चेहरे को अलग निखार देता है, इसलिए मैं हमेशा अपनी मांग भरती हूँ, ये मुझे पसंद है। रेखा ने तो ये साफ कर दिया है कि ये किसी के नाम का सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन सच क्या है ये तो यही जानती है। तो दोस्तों, आपको रेखा के बारे में कौन सा फैक्ट जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।